हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। बच्चे के शरीर पर चोट के काफी निशान हैं। छुट्टी होने के बाद घर पहुंचकर बच्चे ने परिवार वालों को बताया। उसके बाद बच्चे को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने मेडिकल करने में ही आनाकानी शुरू कर दी। काफी देर बाद बच्चे का इलाज शुरू किया गया। वहीं छात्रा के चाचा ने पिटाई करने वाले टीचर के खिलाफ रामपुरा थाना और इलाज नहीं करने वाले डॉक्टर के खिलाफ सीएमओ को शिकायत दी है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी शहर के मोहल्ला आदर्श नगर के रहने वाले प्रेम का बेटा चंदावास के एक प्राइवेट स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मंगलवार को स्कूल से घर लौटते वक्त बस में भीड़ ज्यादा होने पर लड़के की किसी साथी छात्र से बहस हो गई थी। बुधवार की सुबह जब वो स्कूल में पेपर देने पहुंचा तो इससे पहले स्कूल में कार्यरत मम्मी नाम के एक टीचर ने लड़के को बुला लिया। आरोप है कि एक कमरे में ले जाकर लड़के पर टीचर ने जमकर डंडे बरसाए, जिससे उसकी कमर, कान और बाकी जगहों पर चोटों के निशान पड़ गए। साथ ही घर पर नहीं बताने की धमकी भी दी। दोपहर में स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर पहुंचे लड़के ने अपने चाचा अशोक कुमार के अलावा परिवार वालों को पूरी बात बताई। उसके बाद परिवार वाले दोपहर में ही उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, लेकिन उस वक्त वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर कुछ काम में लगे हुए थे। काफ़ी देर बाद भी जब डॉक्टर ने उसका मेडिकल और इलाज शुरू नहीं किया तो फिर से डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने ये कहते हुए मेडिकल करने से मना कर दिया कि वे पहले पुलिस को बुलाएं। इसके बाद डायल 112 पर कॉल करके पुलिस बुलाई गई, लेकिन इस बार भी इलाज से मना कर दिया गया। इधर सूचना के बाद रामपुरा थाना पुलिस ट्रॉमा सेंटर पहुंच गई। काफ़ी देर बाद डॉक्टर ने अनुज का इलाज शुरू किया। अनुज के चाचा अशोक कुमार ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर रामपुरा थाना में शिकायत दी है। इसके साथ ही इलाज नहीं करने वाले डॉक्टर के खिलाफ सीएमओ को शिकायत दी है।